बुधवार को सुबह अंबेडकर कॉलोनी निवासी एक वृद्ध को बीमार अवस्था में अस्पताल लाया गया, जहां सैंपल लेकर जांच की, जिसमें पॉजिटिव रिपोर्ट आने के बाद प्रशासन अमले में हड़कंप मच गया। तत्काल एसडीएम, तहसीलदार, चिकित्सक व पुलिस टीम ने अंबेडकर कॉलोनी पहुंचकर उक्त एरिया को सील कर दिया और चारों तरफ कंटेनमेंट एरिया घोषित कर वहां पुलिस व चिकित्सक टीम लगा दी। वृद्ध के परिवार को भी क्वारंटाइन कर सैंपल लिया गया। वहीं नीमच के सरदार मोहल्ले में एक ही परिवार के चार लोग क्वारंटाइन किए गए। सीएसपी राकेश मोहन शुक्ला ने बताया कि सरदार मोहल्ला निवासी परिवार की बेटी की शादी प्रतापगढ़ में की थी। वह पिछले 15 दिनों से नीमच में रह रही थी। मंगलवार को प्रतापगढ़ गई, वहां जांच में बुधवार को पॉजिटिव आने से नीमच सरदार मोहल्ला निवासी महिला की पीहर पक्ष के चार लोगों को भी क्वारंटाइन कर सैंपल लिए गए हैं। जांच रिपोर्ट आने के बाद पता चलेगा नीमच सिटी में कोई संक्रमित है या नहीं। जिला पंचायत सीईओ ने बताया कि बुधवार को 39 लोगों की रिपोर्ट नीमच जांच लैब से आई, जिसमें दो लोग जावत के पति पत्नी व एक नीमच अंबेडकर कॉलोनी का पॉजिटिव आया है। जिले में अब कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 441 पर पहुंच गया है। 48 लोग के सैंपल लिए गए, वहीं 80 लोग की रिपोर्ट आना बाकी है। जिले में 35 एक्टिव केस हैं, वहीं 438 में से 397 लोग ठीक हो चुके हैं।